नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस सर्किट चैनल पे। और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हमारी चल रही है एक नई सीरीज जिसमें हम पढ़ा रहे हैं कंपाइलर डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीएफजी। सो हमारे पास होती है पांच प्रॉपर्टी, उसमें होती है एम्प्टीनेस, नॉन एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, इनफाइनाइटनेस एंड मेंबरशिप। देखते हैं क्या होती है ये प्रॉपर्टीज सीधे एग्जाम्पल के साथ। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। सो अगर हमें एम्प्टीनेस चेक करना है तो हमें क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी? सबसे पहले कि देखिए आप कि पहले ये जो हमारा है दिया हुआ ग्रामर, इसमें हमारे पास कोई नल प्रोडक्शन, एप्सिलॉन प्रोडक्शन या फिर कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है। सो चेक करते हैं। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है हमें? जो हमारा बी प्रोडक्शन है वो हमारा अनरीचेबल है। सॉरी, ये जो है हमारा डेड स्टेट है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई प्रोडक्शन नहीं दिया है। सो ये तो हमारा पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो अगर हमारा ये कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास फिर भी कोई ना कोई प्रोडक्शन बच रहा है, जैसे एस टेंड्स टू ए बच रहा है हमारे पास, और ए टेंड्स टू ए प्रोड्यूसेस ए बच रहा है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी नहीं है, नल प्रोडक्शन भी नहीं है। सो ये हमारे पास बच रहा है, सो इट इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पर और भी कोई ऐसा है क्या? अच्छा, देखिए यहाँ पर हमारा जो भी है वो रीचेबल हो गया है हमारा, बट ये इसके लिए कोई प्रोडक्शन दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको कहेंगे डेड स्टेट। सो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। सो अगर हमारा यही रिमूव हो जाता है, अगर ए यही से रिमूव हो चुका है तो ए यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। सो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो ए है वो जो है हमारे पास रीचेबल है, बी भी रीचेबल है। ओके, तो देखिए आप यहाँ से ए पर हम ए से हम बी पर जा रहे हैं और बी से ए पर जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो है ये रीचेबल नहीं है, मतलब ये जो है हमारा कंटिन्यूस लूप में चलेगा, ये हमें कभी भी टर्मिनेट नहीं करने देगा। सो अगर हम ट्राई कर ले तो हम अगर ए के प्रोडक्शन को फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा और बी के प्रोडक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। अगर ए का प्रोडक्शन रिमूव हो गया है, बी का प्रोडक्शन रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे कि ये भी नहीं रहेगा। सो ओवरऑल हमारा क्या हो गया? हमारा पूरा ही जो प्रोडक्शन दिया, ग्रामर दिया था, वो पूरा कैंसिल हो गया। सो ये हमारा हो जाएगा तो हमने जो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी पहली, तो वो हमने समझ ली है, एम्प्टीनेस और नॉन एम्प्टीनेस। तो बढ़ते हैं अब अपने अगली दो प्रॉपर्टी की तरफ, फाइनाइटनेस एंड इनफाइनाइटनेस। सो क्या होता है फाइनाइटनेस और इनफाइनाइटनेस? सो इससे हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो एक आसान तरीका है इसे चेक करने का, अगर आप भी यही चीज़ फॉलो करेंगे तो एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? यही चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी कि हमें एक्सीलेंट प्रोडक्शन, सॉरी नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और जो अनरीचेबल स्टेट्स वगैरह वो सब हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें कोई है क्या अनरीचेबल। तो ये देखो, ये सी जो हमारे पास दिया हुआ है, ये तो हमारे पास जो रीचेबल तो है ही नहीं, क्योंकि ए भी तो यहाँ पर सी है ही नहीं। सो ये तो हमारा अनरीचेबल हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी सी है, ये भी अनरीचेबल हो गया। उसके बाद ए से हमारे पास बी है, बी से ए है, चलो ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्शन, मतलब उसको सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा ऐसे सी बी। उसके बाद ए से लेके आएगा ए, बी से आएगा बी। ओके, तो अब हमें सिंपल स्टेप फॉलो करनी है, हमें इसका एक ट्रांजिशन डायग्राम जैसा बनाना है। देखते हैं एस जो है हमारे पास, एस से हमारे पास किसके पास जाना है? एस के पास, चलो ठीक है, वापस मतलब लूप हो गया हमारे पास। एस से हम जा किसके रहे और ए के पास, एस से हम जा किसके रहे और बी के पास। ठीक है, अब ए दोनों के पास तो चले गए हम, अब क्या करना है हमें? ए से हम जो जा रहे हैं वो ए के पास जा रहे हैं और बी के पास जा रहे हैं, तो वो था हमारा टर्मिनल स्टेट। सो क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक लूप है, ये वाला, ये हमारे पास लूप बन गया। सो ये जो हमारा होगा ये इनफाइनाइटनेस हो गया, मतलब ये प्रॉपर्टी जो इसमें सेटिस्फाई करी वो इनफाइनाइटनेस। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए रीचेबल है, बी रीचेबल है, ए से बी जा रहे हैं हम, और ओके सो हमारे पास बी रीचेबल तो है, लेकिन बी के लिए हमें कोई प्रोडक्शन दिया हुआ नहीं है, सो हमें बी को कैंसिल करना पड़ेगा।
सो ये हमारा बी गया कैंसिल हो गया और यहाँ से बी कैंसिल हो गया। चलिए तो हमारे पास तो अब कुछ बचा है नहीं। इसके बाद हमें फिर तो ये हमारा पूरा रिमूव हो चुका है। यहाँ पे हमें नल मिला है, और हमेशा ये याद रखिएगा कि जब हमें नल मिलता है तो फाइनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम के पास चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ए से ए बी रीचेबल हो गया है, लेकिन फिर से सी रीचेबल, सी जो है हमारा रीचेबल ही नहीं है इस बार, तो सी को हमने कैंसिल कर दिया है। यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फिर बचा क्या हमारे पास, एस से ए बी, ए से लेके ए, बी से लेके बी, और तुरंत वही हमारा जो फंडा है वो लगाएंगे हम। एस से लेके हमारा जा रहा है ए की तरफ, एस से लेके जा रहा है हमारा बी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई लूप दिखाई दे रहा है कि, और कुछ चेक कर लेते, कोई हमसे छूट तो नहीं गया। ओके, ए बी, ए बी डन, ए बी डन, ए बी डन। चलो, तो ये इसके पास हमारे पास कोई लूप नहीं है, तो ये हमारा फाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी, तो सेकंड अगर थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कवर होगी यहाँ पर इसमें। और ये इस सिंपल फॉर्मूला से हम कर लेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी हमें फाइंड करने में। उसके बाद बढ़ते हैं हमारी जो थर्ड, सॉरी लास्ट प्रॉपर्टी थी मेंबरशिप। तो मेंबरशिप प्रॉपर्टी हम देखते हैं। चलो, इसमें हम ये वाली स्ट्रिंग जो है, हम इसके लिए मेंबरशिप प्रॉपर्टी देखते हैं। मेंबरशिप प्रॉपर्टी दरअसल ये होता है कि क्या हमारा ये ग्रामर जो है ये चीज़ जनरेट कर पाएगा ये नहीं। अगर हम इसे सिंपल वे से ट्राई करना चाहेंगे तो हमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले एक कंसेप्ट से। तो हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है सी वाई के एल्गोरिथम, ये तीन साइंटिस्ट के नाम पर लिखा हुआ है, तीन साइंटिस्ट के नाम पर है एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको समझाऊँ, ये मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। और फिर एक स्टेप्स बनाने पड़ेंगे मुझे, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, थोड़ा वेट कर लीजिए इसमें। ओके, चलिए ये बना गया हमारा पहला। उसके बाद दूसरा, दूसरा हो गया हमारा, तीसरा, थोड़ा छोटा कर देता है इस बार, क्योंकि नीचे भी आना चाहिए हमारे वहां से। हमारा लास्ट वन है, सेकंड लास्ट वन, और ये लास्ट वन। और उसके बाद यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, अच्छा सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि आप जो ये जनरेट कर रहे हैं इसमें क्या करेंगे, हम पहले तो इसे ऐसे क्या वैसे लिखे। और एक मिनट, ये हमारी एक लाइन जो है वो मिस हो चुकी है, यहाँ पर वापस लगा लेता हूँ इसे, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, ओके। सो हमारा जो ये इसमें एक सिंपल एल्गोरिथम फॉलो करना है हमें, तो इसे हम आसान तरीके से समझ लेंगे क्या होता है। ये जो है ये ए, इसके लिए हम पहले सिंपल सिंपल कौन जनरेट कर रहे हैं ए को, जो हम ग्रामर देख पा रहे हैं ए को जो जनरेट करने वाला है वो है बी। ए के नीचे हम बी लिख दिया है। अब जो बी जनरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो ए कर रहा है। उसी तरह ये ए को बी करेगा, ये बी करेगा, ये इसको ए करेगा। अब इसके बाद जो हम इसको अगर ये जो हम एल्गोरिथम लगा रहे हैं इसमें हमें यहाँ से डाउनवर्ड्स देखना पड़ेगा इसके लिए, और यहाँ से डायगोनली देखना पड़ेगा। हमें मिल रहा है यहाँ पर बी ए, सो बी ए हमारा कौन जनरेट करके दे रहा है। सो
सो बी ए बी ए ओके, देख लीजिए आप यहाँ पर ए जनरेट कर रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। सो इसे दरअसल मैं याद रखने के लिए यहाँ पे टिक टिक फॉर्मूलाइज यूज करता हूँ, जैसे कि हम करेक्ट मार्क करते हैं उसकी तरह से आप याद रख सकते हैं इसे, कि आपको आना इस पर नीचे और जाना इस तरफ है। ओके सो आई लाइक रिमेंबर दिस लाइक दिस लाइक करेक्ट लाइक करेक्ट साइन। ओके सो हम इसी तरह बाकी चीज़ भी करते हैं, वैसे ही आप ए और ये बी आ गया यहाँ पर। सो ए बी कौन जनरेट कर रहा है हमारे पास, ए बी जनरेट कर रहा है एस, ऐसा और ऐसा ए बी जनरेट कर रहा है हमारे पास एस एस। ओके और बी बी जनरेट कर रहा है हमारा कौन, बी बी कौन जनरेट कर रहा है एस जनरेट कर रहा है, और बी ए कौन जनरेट कर रहा है हमारे पास, बी कौन जनरेट कर रहा है बी ए बी ए, हाँ बी ए जनरेट कर रहा है हमारे पास, फिर से ए जनरेट कर रहा है। ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं फिर से एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, और अब फिर से वही चीज़ हमें फॉलो करनी है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी, यहाँ से नीचे और यहाँ से डायगोनल, तो हमारे पास अब बनेगा कर लेता इसे, तो हमारे पास अब बनेगा बी एस, क्योंकि ये जो है हमारे लिए ऐसी जाएगी, ऐसे टिक करके याद रख सकते हैं सिंपल वे में, ऐसे दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। सो बी एस उसके बाद आएगा ए बी, तो बी एस कौन जनरेट कर रहा है हमारे पास, बी एस जनरेट करने वाला कोई है क्या, चलो बी एस जनरेट वाला करने वाला तो कोई है नहीं। अब ए बी कौन जनरेट कर रहा है हमारे तरफ, हमारे तरफ ए बी जनरेट कर रहा है एस, तो यहाँ पे लिख दिया हमने सिंपल एस। उसी तरह ये लाइन के लिए जाएंगे हम, ओके ऐसा और फिर इस लाइन से ऐसा, ठीक है ओके। तो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर इसे मिटा देते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा एक दो बार ट्राई कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। इसमें हमें मिलेगा ए बी, एक्चुअल में बी बी जो जनरेट करेगा कौन करेगा, बी बी जनरेट करेगा हमारा एस करेगा। ओके तो यहाँ पर हमारा एस होगा, यस सही कर रहे हैं ओके हाँ, तो हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा ए एस और हो जाएगा फिर एस बी। ए एस कौन जनरेट कर रहा है हमारे पास, ए जनरेट कर रहा है ए, और एस बी जनरेट कर रहा है कौन, एस बी जनरेट कर रहा है बी। सो हमारे यहाँ यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड लाइन हो जाएगी इसमें हम ऐसे जाएंगे और इसमें ऐसे जाएंगे, तो बी ए, बी ए और क्या रहेगा हमारे पास, बी ए और ऐसे, बी ए और ऐसे कौन जनरेट कर रहा है हमारे पास, बी ए जनरेट करने वाला कौन है ए है, और ऐसे जनरेट करने वाला कौन है ऐसे, ऐसे ऐसे कोई जनरेट नहीं कर रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर फिर से हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमें फिर से वही स्टेप फॉलो करनी है, तो इसे हम जैसे फॉलो कर रहे हैं अब और एक चेंज कर लेते हैं इसमें, रेड कलर मैं जैसे यूज कर लेता हूँ, तो अब आएगा हमारे पास इसके लिए इस तरह से आएंगे हम फिर से, और इसके लिए जाएंगे हम इस तरह से, तो हमारे पास एक बी ए बी बी, तो पहले कॉलम के लिए एक हो गया है बी ए, ये बी ये बी, बी ए बी बी हो गया, उसके बाद ए एस हो गया हमारे पास, और फिर हो गया एस बी, करेक्ट है एस बी हो गया। तो बी ए कौन जनरेट कर रहा है हमारे लिए, बी ए जनरेट करके दे रहा है, ए बी बी कौन जनरेट कर रहा है एस, ए एस कौन कर रहा है ए, एस बी कौन जनरेट कर रहा है बी, तो ए एस बी सारे ही आ गए, तो सारे को लिख देना पड़ेगा हमें ए एस बी, बिना झिझकते हुए हमें इसे लिखना है। और उसके बाद अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, इसे मिटाकर ओके सॉरी ये चेंज हो गया इसमें ओके। उसके बाद हमारे पास है
फिर से ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, और उसके बाद उसके अंदर डायगोनल में, तो हमारे पास पहले आएगा ए ए, फिर आएगा एस ए, फिर आएगा हमारे पास डबल ए और बी ए। ए कौन जनरेट कर रहा है, ए कर रहा है, बी ऐसे कौन कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे 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 कोई नहीं कर रहा है, ऐसे को हटाओ। डबल ए कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी ए कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो हमारे पास मिल गया ए और बी। लिख लीजिए यहाँ पर बी और ए, कामा कामा लगा के। अब फिर से हमारी और एक रो चलनी है, तो उसे भी देख लेते हैं। ये आखिरी रो और आखिरी स्टेप रहेगी हमारी, ये इसके लिए कलर कौन सा, ब्लैक कलर से कर लेते हैं। सो अब हम इसे मिटाकर और एक फाइनल स्टेप कर लेते हैं और हम आंसर पर तुरंत पहुंच जाएंगे। इसे मिटा लेते हैं। तो हम लिखेंगे अब यहाँ से ऐसा बी और यहाँ से ऐसा, टिक मार्क करते हुए ये ऐसा जाएगा बिल्कुल इसको, इस तरह से आएगा अब बी 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 ए बी 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 ए। उसके बाद आएगा हमारा, उसके बाद आएगा हमारा ए ए। तो चलिए देखते हैं, जैसे बी बी में है एस बन गया है, बी ए से है ए बन गया और ए से एस बन गया, तो पूरी चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने तुरंत ऑब्जर्व कर लिया कि ऐसी भी तो तीनों ही चीज आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट तीनों चीज लिख लेंगे एस ए और बी। सो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेप। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये जो रहेगा एस ए बी, ये हमारा रूट रहेगा एस ए बी। तो क्या इसमें हमारा स्टार्ट सिंबल आ रहा है, तो जी हाँ, हमारा स्टार्ट सिंबल जो था एस, वो बिल्कुल इसमें आ रहा है। तो जो स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी डबल ए बी, ये बिल्कुल हमारा मेंबरशिप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है ग्रामर। सो ये होता है इसमें सी वाई के एल्गोरिदम में, और इस तरह हमें फॉलो करना होता है ये चीज़। और ये जो है वो वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन क्यूब लेता है। तो इसके लिए, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, वो देखते हैं। सो बोल रहा है कि फॉर एवरी कंटेक्स्ट ग्रामर देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिदम दैट पासिस एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू belongs to grammar L, L in number of steps proportional to। So यहाँ पे हमने भी देखा कि big of n cube follow करेगा, number of cube जो रहेगा approximately proportional to n cube लगेगा। So this was our answer। So friends, ये था हमारा आज का concept। So इसी तरह question और concept सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें और subscribe करें। धन्यवाद।